الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله على شيعته ومحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم आगाज़ कलाम सामुद बरहक के नाम से जो खालिक के कौन मकान और सियात के अबदी का पैदा करने वाला है वो खालिक हकीकत जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है और बार हम सब ने पलट उसी की जानिब जाना है। यकीनन तमाम तर हम बिलखसूस तमाम तसज्जुद उस माबूद के लिए कि जो हर हाल में अपने बंदों पर करीम रहीम नज़र आता है और कभी भी अपने दर को बंद नहीं करता। तमाम तर हम बिलखसूस तमाम तसज्जुद उसी को ज़ेब देते हैं जितनी मदह की जाए। यकीनन मुमकिन नहीं कि उसकी मदह सराई का हक अदा किया जाए, लेकिन बहरहाल जितनी भी हम्द है उसके लिए है और जितना भी दुरूद और सलाम है हमारा उसकी बनाई हुई उन बुर्गजीदा हस्तियों के लिए है जो वजह तख्लीक कायनात भी और हमारी निजात का जरिया भी हैं। बस आदि कामी खुदावंद आलम के जो बेहतरीन सिफात का हामिल है, कायनात में जितनी बेहतरीन वसाइफ हैं वो खुदावंद आलम की ज़ात का हिस्सा हैं और बारहा वो सिफात जो खुदावंद आलम की सिफात हैं। हमारा आपका मानना है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो मजहर नाम खुदा भी नज़र आती हैं, ये सिफात खुदा नज़र आती हैं। यानी खुदा अगर रहमान है रहीम है तो दुनिया में हमें उसके कुछ बंदे ऐसे नज़र आए जो हर एक पर अपनी रहमत का साया जलवा फिकन रखते हैं, जिनमें एक नाम हमारे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको खुद कुरान ये कहता हुआ नजर आते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत है। बहरहाल यानी वाकईतन वो खुदा के जिसकी ने ऐसी हस्तियों को खल किया कि जिसके अंदर सिफात खुदा की झलक नज़र आती है। यानी बहरहाल अगर खुदा करीम है तो हमें खुदा की इस सिफत के मज़हर दुनिया में ऐसे दर नज़र आते हैं कि जिनकी करीमी का ये आलम है कि अगर बार बार बंदा इनके दरवाजे पे जाता है तब भी उस पर अपना करम करते नज़र आते हैं, हत्ता कि उनके साथ भी करम और रहम का मामला करते हैं जो इनके चाहने वाले ना हों। यानी बारहा हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत देखी, अहले बैत की सीरत देखी कि जिनके दरवाजे पे वो लोग आए कि जिन्होंने ज़ुल्म और सितम भी अहले बैत भी जारी रखे लेकिन उन्होंने उनको भी मना ना किया। हत्ता कि क़ातिल अली अकबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे से जब सब कुछ पा चुका तो एक मरतबा हैरान होकर इमाम की जानिब देखता है और सवाल करता है मौला क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो मैंने इमाम कहते हैं मैंने पहली झलक में पहचान लिया था, बस कैसे मुमकिन है मैं अपने भाई के कातिल को फरामोश कर दूँ। लेकिन वाकईतन कितने करीम हैं कि अपने दुश्मनों पर भी अगर वो दरवाजे पे आ जाए तो अपने दरवाजे को बंद नहीं करते। ये वो दर है कि जिसके दर का एक अक्स खुद फर्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फर्श अज़ा खुद अगर इसके अंदर हमें ऐसी करामत नज़र ना आए, इतना करीम बना नज़र ना आए जो अहले बैत के अंदर था, तो वाकईतन हमने हक़ अज़ा को अदा, हम किसी से मिलें ना मिलें, हम किसी के घर जाएं या ना जाएं, लेकिन जब हमारा दरवाज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से या फर्श अज़ा के नाम से खुल जाता है, अब यहाँ हम किसी को आने या जाने से रोक, या अगर किसी और का खुला है तो वो भी हमें आने जाने से रोक
नहीं सकता, क्योंकि अब ये दरवाजा हुसैन के नाम पे खुल गया, उसके नाम पर जो करीम है, जो अपने चाहने वालों के लिए, अपने मानने वालों के लिए और रहमत रखता है, करामत करीमियत रखता है, यानी वाकईतन अहले बैत वो हैं जो ये वो वस जो खुदा के अंदर हैं, ये जलवा फिगर अपने अंदर करते नजर आते हैं और चाहते भी हैं कि जो इनसे मुंसलिक हो जाए उसके अंदर ये सिफात खसूसियाँ पैदा हो जाए। अगर इस सवा दो महीने के अंदर भी उसके अंदर सिफात की तब्दीली नहीं आती तो उसका मतलब यह है कि उसने फर्श अज़ा इमाम हुसैन से इस तरह इस्तेफादा नहीं किया आज तक किया जाना था। एक दर्जगाह है, यानी उमन दर्जगाह जाने के हमें पैसे देने पड़ते हैं, पढ़ाने वालों को कोई ना कोई उजरत देनी पड़ती है। क्या अहले बैत का वस्फ रहा, कितना बेहतरीन तरीका रहा, बगैर उजरत के बहुत कुछ सिखा देती है दर्जगाह, जो शायद माएँ भी बहुत कुछ नहीं बता पाती हैं वो इस दर्जगाह से सीखने को मिल जाता है। हक ये है कि हम इस दर्जगाह के एहतराम को कायम कायम रखें। खुदा मंदियाला अभी तीन मुहर्रम हैं, अभी आगे सिलसिले बाकी हैं, खुदा करे कि न पिछले मुहर्रम जो रख सके ख्याल, वो ख्याल भी हम इस मुहर्रम इस फर्श अज़ा का रखें, इस फर्श अज़ा की हुरमत का। यदि साहिब अज़ा को अपने किरदार को बदलना चाहिए, जिस तरह फर्श अज़ा का सर ढक के आते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि जब खुशियों में आए तब भी सैयदा को नाराज न करें। पर्दा सिर्फ फर्श अज़ा के लिए वाजिब नहीं है, यकीनन हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, इमाम को धोखा नहीं दे सकते, खुदा की बारगाह में कोई धोखा कोई झूठ परेब कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो वाकईतन उसी चीज़ को अपने किरदार के अंदर रखें कि जो अहले बैत को खुश करने वाली है, ना कि नाराज करने। पर्दा एक मिसाल है, कोई अपने ऊपर ज़ाती ना ले ले, मैं बात कर रही हूँ, खुदा मंद हम भी हक नहीं अदा कर पाते हैं, खुदा हमें भी तौफीक दे हम बेहतर अंदाज में इस अमर को अंजाम दें। इस तरह वो सिफात जो अहले बैत यानी मुसलमान पसंद नहीं करते हैं, इस फर्श अज़ा की बरकत से बहुत कुछ तो हम मांगते हैं, मौला घर दे दें, औलाद दे दें, ये दे दें, वो दे दें, मैंने कहा करीम है अता करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कह के हम दे रहे हैं और किसी को कहें नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यार के लिए बाप खुला हुआ, यकसा खुला हुआ, हमारे आपके नज़दीक होता है कि भाई ये अहम है, ये गैर अहम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फर्श अज़ा बहुत अच्छी बिछाता है, ठीक है। अहले बैत के नज़दीक ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि छोटा है ये बड़ा है, अहले बैत के नज़दीक फ़कत एक ताल्लुक है, किसने किस खलूस के साथ अमल को अंजाम दिया, जिसका अमल मुखलिस था अहले बैत के नज़दीक काबिले कबूल है। कैसा पहनता है, कैसा ओढ़ता है, फटे हुए लिबास में है, फटी हुई फर्श बिछाता है, कैसा भी करता है, इससे कोई मायने, कितनी तहारत के साथ रखता है, कल्ब की तहारत भी ज़ाहरी तहारत है, फर्श सब आए ताहिर हो गया है, पाक को पाकीज़ा हो गया है, कल्ब भी पाकीज़ा करके और लिबास को भी पाकीज़ा करके, बस बार हाँ, यानी वाकईतन ये दर वो दर है कि जो बेहतरीन सिफात को सिखाता हुआ नज़र आता है। खुदा मंदिर इस सिफात को हमारे अंदर भी कोशिश हम करें, यानी बहुत कुछ जब मांगते हैं तो वहाँ ये भी मांगे कि जो हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है खसूसियात हम चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है हमने से कोई आप में से कह के नहीं हम तो अच्छा बनना ही नहीं चाहते, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। हर मोमिना यही कहती हूँ कि मैं तो चाहती हूँ मैं सारा साल पर्दा करूँ, मैं तो चाहती हूँ सारा साल मसलन किसी नेक अमल को अंजाम दूँ, मैं तो नहीं चाहती कि नमाज मुझसे छूट जाए, मैं तो नहीं चाहती रोज़ा मुझ, लेकिन हो जाता है, शायद इंसान है। तो कौन है कि जो इस मुश्किल कुशाई में मुश्किल कुशाई करे, यकीनन ज़हरा के दर के अलावा कोई दरवाज़ा, यानी और लोग तो शायद ज़ाहिरन माली वदर ना पे सैयदा बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और लोग तो शायद माली मदद कर भी दें ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन ये वो दर है, यानी ये वाली मदद अगर किसी को चाहिए तो इस दर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अली के अलावा कोई और मददगार नहीं है जो जहन्नुम से लेकर इंसान को जन्नत की जाने लेके जाए, बस जानी जानी, यानी वाकईतन मुश्किल कुशाई के अबवाब हैं अहले बैत इस्लाम के दर, चाहे वो अली हों या हमारे आखिरी इमाम हों, हर एक किसी की एक की भी शख्सियत को उठा के देख लिया जाए और मिलता है कि जब भी इनसे सवाल किया गया इन्होंने अता किया, जब भी इनसे मांगा गया इन्होंने हर एक की हाजत को रवा किया। मैंने अभी बीच में बयान किया कि वाकईतन हम और आप ऊपर नीचे अच्छे बुरे का तयन करते हैं, लेकिन अहले बैत खुलूस को चेक करते हैं। बस एक वाक्य मेरे जहन में आ रहा है, वो बयान करके मसाइल की जाने, क्योंकि इमाम का चाहने वाला है, इमाम से मोहब्बत रखने वाला है, सिर्फ मसाइल बयान करता है, यानी कोई आलिम नहीं है, कोई बहुत बेहतरीन जाकिर नहीं है, लेकिन मसाइल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसका पढ़ना मामूल है, ये मामूलन इमाम हुसैन साहब के मसाइल पढ़ता है। खुदा हमें तौफीक दे, यानी उम्मीद तौर पर हम मजारिस में तो पढ़ते हैं लेकिन घर में भी अपने इस वस को रखें कि घर में जब फुर्सत मिले बच्चों को बिठा कर अहले बैत का जिक्र
शुरू करें, चाहे उसमें मसाइब हों या फजाइल हों, ताकि हमारे बच्चों के अंदर मिदहा अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत परवान चढ़ती चली जाए। पता मसाइब बयान किया करता था कि एक मरतबा इसके घर में सिलेंडर जो है वो उसको लगा कि ये फटने वाला है या फट रहा है, ये फटते हुए सिलेंडर को लेके दौड़ा है घर के पीछे की जानेब ताकि घर वालों को महफूज रख सके। क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वाकईतन जो चाहने वाले हैं, लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन अगर जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो वो अपने आप को भी बचाता है और दूसरों को भी बचाने वाला बन जाता है। इसे कह चलो खुद तो नुकसान होता है वो, दूसरे लोग इस शर से महफूज। क्या पीछे के दरवाजे की जानेब दौड़ा है लेकिन इत्तेफाक से पीछे के दरवाजे की कुंडी बंद की जाए, सिलेंडर तो एकदम से ज़रा शक हुआ और फट जाता है। जितनी देर में मसलन कुंडी खोलता या बाहर जाता, ये दरवाज़ा खोलने से पहले ही सिलेंडर फट गया, और जैसे ही फटा तो ज़ाहिर है धमाके की शिद्दत के साथ ये उछल कर छत के ऊपर, धमाका था, आग लगी थी, तमाम लोग अहबाब जो भी इधर उधर रहते थे वो तमाम लोग जमा हो गए और सबको यकीन हो गया कि यकीनन मर गया है, जिस शिद्दत से ये धमाका हुआ है यकीनन ये ख़त्म हो गया होगा। क्या इसको मसलन धमाके की वजह से चोटें आ गईं, इसका आज़ा ज़ख्मी हो गए, हड्डी भी इसकी कोई फ्रैक्चर हो गई और इसके आज़ा कट भी गए, जला हुआ था तकरीबन 80% तक ये जल चुका था। क्या लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि बेशक मर गया है लेकिन बॉडी इसकी मिल नहीं गई। क्या इसका हाथ क्योंकि कट गया था तो जब छत पे गिरा है तो हाथ इसका फसल लटक रहा था या किसी तरह से बारहा इसका खून टपका जख्म के अंदर से। जब खून छत से नीचे गिरा तो लोगों को महसूस हुआ कि छत के ऊपर मौजूद है, इसकी बॉडी छत के ऊपर है। तब ये इसके अहले खाना वगैरह जमा हुए, उन्होंने इसी तरह से इसके बॉडी को नीचे उतारा तो देखा कि यकीनन अभी जिसमें कुछ जान बाकी है, अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। लेकिन फौरन हॉस्पिटल के जाने दौड़े हैं, खुदा ना करे कि कोई जलन की तकलीफ़ से गुजरे। जलने की तकलीफ बहुत बुरी होती है, खुदा बंदा आलम हमें दुनिया की आग से भी और आखिरत की आग से भी बचाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी दुआ है हमारे लिए भी, करिए खुदा बंदा आलम हमें अज़ाब नार से बचाए। बारहा कहते हैं कि एक मरतबा ये शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल वालों ने जैसे इसकी हालत देखी उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो जाएगा, आप लोग इस पर वक्त ज़ाया ना करें, कुछ नमे गुजरेंगे, कुछ वक्त गुजरेगा लेकिन बारहा ये ज़िंदा रहने वाला नहीं है। आप इसके अहले खाना, ज़ाहिर है अहले खाना को मोहब्बत होती है अपने अजीज से, होनी भी चाहिए, कहने के लिए आप जो भी हो सकता है इसकी ट्रीटमेंट तो करें, कुछ भी करें लेकिन बारहा जब तक ज़िंदा है जब तक कोई इलाज इसका। उन्होंने इसकी ज़ाहिर तौर पर मरहम पट्टी करी तो ये जैसे ही मरहम पट्टी हुई उसके बाद इसको लेके गए बड़े शहर ताकि किसी अच्छे डॉक्टर को मसल दिखाया जाए। जैसे ही इसको लेके गए हैं तो वहाँ पर जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए उन डॉक्टर्स ने भी जैसे ही मुआयना किया तो कहा कि नहीं ये अब मर जाएगा, आप लोग इस पर वक्त ज़ाया नहीं करें, ख़त्म हो चुका है, एक ग्रुप भेजिएगा मोहम्मद और जब ये बड़े हॉस्पिटल पहुँचे हैं वहाँ जाकर इन्होंने दिखाया, डॉक्टर से वही जवाब दिया कि भाई सब ये ख़त्म होने वाला है, इसकी मतलब जहमत ना करें, इसके बारे में जहमत में ना पड़े। लेकिन बारहा अहले खाने ने कहा कि नहीं जितना हो सके आप इसका इलाज करें। कहते हैं अब मैं ये जब सही हो गया, ये खुद वाकया बताता है, कहता है मैं मेरी हालत ये थी कि मेरे होंठ जलने के बाद चिपक गए थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे अज़ा जब ये पट्टी तब्दील करते थे तो वो तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस कदर शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था, मेरी ज़बान यानी अभी उस तकलीफ़ को बयान भी नहीं कर सकती, इतना तकलीफ़ में था मैं। तब बारहा मेरे अहल खाना के असरार पे उन्होंने मुझे पट्टी वगैरह चेंज करी है, जो भी किया उन्होंने कहा कि भाई कुछ हड्डियाँ टूट गई हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो मेरे अहल खाना कह रही जो कुछ हो सकता है आपसे इसके करें ताकि इसकी ज़िंदगी बाकी रहे। अच्छा अब मुझे थोड़ी खुद भी उम्मीद होने लगी थी कि मैं इतना पसंद छोटे शहर से बड़े शहर आ गया, मुझे उम्मीद बनने लगी थी शायद कि मैं बच जाऊँ। तब जब इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए ऑपरेशन के तो उसके बाद आए ताकि मुझे थैलेसीमिया लगाएं बेहोश करने के लिए। मैं कहा अगर ये सेहत याब हो भी गया तब भी हो सकता है इसको फालिश हो जाए लेकिन हम इसकी जान की कोई गारंटी नहीं देते। मैंने बस इतना इशारों किनारों में जैसे कहा कि गुजारे होंठ तो मेरे चिपक चुके थे, जैसे जैसे बस मैंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दे दो, कुछ मोहलत दे दो। आज तक मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ता आया हूँ, आज मैं इमाम हुसैन के मसाइब अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने दिली दिल में मसाइब इमाम हुसैन साहब को बयान करना शुरू किया। मैं मसाइब पढ़ते पढ़ते मैंने बस एक जुमला अदा किया, मौला मेरी भी एक छोटी बच्ची है। तो मैंने मसाइब को बयान किया, इन मैं कैसे बयान किया होगा, ज़ाहिर होंठ तो काम नहीं कर रहे थे, खुद ही मसाइब बयान करा, खुद ही रिक्त करी। कहता उस वक्त मुझे होश नहीं था लेकिन मेरे जो अतराफ़ में लोग थे शायद मेरी आवाज़ को सुन रहे थे, मैं उनकी आवाज़ को सुन रहा था।
तो मैं मसाइब को बयान कर ही रहा था कि मैंने देखा कि एक नूर मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और ये कोई और नहीं वक्त का इमाम साहिबुलजमान थे। जैसे ही इमाम जमान आए मैंने देखा इनके साथ एक और शख्सियत मौजूद है और ये मजलूम इमाम इमाम हुसैन। जैसे ही इमाम आए और इमाम ने आकर मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। जाहिर है मैं जो जिस हालत में था मैंने इमाम से कहा इमाम कुछ नहीं चाहता सवाए इसके कि शिफा मिल जाए। क्या इमाम ने मेरे जले हुए बदन पे हाथ को फेरा, जैसे हाथ को फेरा मेरा बदन मेरे अंदर ताकत मुझे महसूस हुई, मैंने मेरा दिल चाहा इमाम के दामन को थाम लूं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा ना हो इमाम की तौहीन हो जाए। यानी जो इमाम की इतनी हुरमत का ख्याल रखता हो कि इमाम इतने करीब आए फिर भी उसे डर है कि ऐसा ना हो कि इमाम की तौहीन हो जाए। वाकई जन हम जैसा गुनाहगार जिंदगी में सोचे कि ऐसा ना हो हमारी किसी अमल से इमाम की इमामत की तौहीन हो जाए तो शायद इमामत हमारी ऐसे ही मदद करे। काजी बस मैं ये बात कर ही रहा था कि एक नर्स दौड़ी हुई आई और आकर कहने लगी कि भाई अहले खाना आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कहा अहले बैत आ रहे हैं, सादात आ रहे हैं। हमने एक मरतबा इस नर्स से कहा, अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे कलाम कर रहा हूँ, कैसे सुन रही हूँ, क्योंकि अब तक तो मेरे होंठ चिपके हुए थे। कहीं नर्स कहती है कि अहले बैत आ रहे हैं, सादात आ रहे हैं। बाद में वो नर्स कहती है कि मुझे शक था कि शायद मैं सैयद हूँ भी कि नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मैं सादात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने जो ये मंजर देखे का एक मरतबा, अब डॉक्टर ने ज़ाहिर तौर पर तो मेरी पट्टियाँ बंधी हुई थी, ये वाकया गुजरा कुछ समय बाद डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने आकर जो है वो पट्टियाँ उतारना चाहिए था कि इंजेक्शन लगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं उठ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहते नहीं तुम्हारा ऑपरेट होना है। कहा अब जो पट्टियाँ मेरे बदन की खोली हैं मेरा बदन भी कहीं जले का निशान बिल्कुल सेहत याब हो गया। यह हुसैन वो हुसैन है जो अपने जिक्र को ज़ाया नहीं करते। खुदा बंदे आलम हमें सही तौर पर हुसैन का जिक्र करने का। फिर वाकईतन एक जिक्र जो हम जबान से करते हैं, एक जिक्र वो है जो हुसैन के शहदा ने अपने खून से किया है। कैसे जिक्र किया? अपनी औलादों को हुसैन की औलादों पर कुर्बान करके हुसैन के जिक्र को बाकी रखा। उन्हीं लोगों में जिन्होंने हुसैन की नाम के लिए अपनी औलादों को कुर्बान किया एक ज़ात मुस्लिम इब्न अकील की ज़ात। हम अपने बच्चों की शिफा हुसैन से तलब करते हैं, हम अपने बच्चों की हयात हुसैन से तलब करते हैं। मुस्लिम उसका नाम है जिसने अपने बच्चों की जिंदगी हुसैन पर कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि हम और आप दुआ करते हैं परवरदिगार कोई नस्ल दे ताकि नाम लेवा बाकी रह जाए। जिसका कोई नाम लेवा नहीं होता और वो अपने बच्चों को हुसैन पर कुर्बान कर देता है, खुदा उसके नाम में असर रखता है। कि अगर कोई मुस्लिम के नाम से खुदा से औलाद तलब करे और नियत कर ले कि अगर हमारे घर औलाद हुई तो हम नाम मुस्लिम रखेंगे, खुदा उसे औलाद नरीना अता करता है। यानी जिसका नाम दुनिया मिटा दे खुदा उसके नाम को इस तरह बुलंद करता है कि बे औलादों को उसके नाम से औलाद मिल जाए। मुस्लिम उस मुखलिस बंदे का नाम है कि जिसके बारे में हुसैन जब खत तहरीर कर रहे हैं कुफे वालों के नाम पर लिख के दे रहे हैं, देखो मैं अपने बिरादर आम को तुम्हारी जानिब भेज रहा हूँ, मैं उस बंदे को तुम्हारी जानिब भेज रहा हूँ जो मेरा मुखलिस तरीन बंदा है। हुसैन जिसको मुखलिस कह दे, हुसैन जिसको ईमान कह दे, यकीनन उसके ईमान में कोई शक नहीं। मुस्लिम वो गरीब है कि जो कब जा रहे हैं कूफा के संग जा रहे हैं, मुस्लिम के दो बच्चों को हुसैन ने बच्चों को साथ कराए हैं। और कैसे चाहने वाला है, आपस से सवाल नहीं करा मौला मैं तो जा रहा हूँ मेरा काम है वहाँ, ये बच्चे क्या करेंगे? शायद कि हुसैन जानते हैं ये बच्चे वो तारीख रकम करेंगे जिससे यजीद के सफाक चेहरे से पर्दा हट जाएगा। कर्बला में तो रेगिस्तान में जो कुछ हुआ ये तो कूफे में खुले आम हुआ। कि जब कूफे में मुस्लिम के दो बच्चों को कैद में डाला गया और जब रिहाई मिल भी गई तो कहाँ जाएं, जब की तारीख है बच्चे इधर उधर 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 दिन भर घूमते रहे लेकिन जब रात हुई है कहाँ जाएं। एक मरतबा दरख्त के ऊपर चढ़ गए, छुप गए बच्चे जाकर, एक मरतबा
पर रात के वक्त एक मौसम अपने घर से निकली जाती है कि पानी को भरे। जैसे ही कुएं में डोल को डाला तो चांद जैसे चेहरों का आंसू है। निगाह को उठाया, देखा तो बच्चे डरे सहमे हुए दरख्त के ऊपर मौजूद है। बच्चों को उतारा, जाहिर है एक खातून क्या सवाल करेगी, या बच्चों तुम्हारी माँ परेशान होगी, अपने घर लौट जाओ। बच्चे क्या जवाब दे, परेशान होने वाली माँ मौजूद नहीं है, ना बाप मौजूद है, ना कोई मामू मौजूद है, ना कोई चचा मौजूद है, ऐसा कोई नहीं है जो इन बच्चों के लिए परेशान हो। कौन हो, कौन हो ऐसे कि जिसका घर कूफे में नहीं है, क्या मुस्लिम के बच्चे हैं? इतना सुनना था अपने घर में लेकर आने, लेकिन रात का एक पहर ही जरा सुकून से गुजरा इन बच्चों का कि एक मर्तबा हारिस घर में दाखिल हुआ और मालूम हुआ बच्चे उसके घर में छुपे हैं। बच्चों को पालों से पकड़ कर दालान में लाया और सुबह तक नंगी तलवार के साथ इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह नमूदार हुए, एक मर्तबा घसीट कर फुरात के किनारे लाया। रवायत आपने और मैंने सुनी हुई है, एक मर्तबा भाइयों ने कहा हमें नमाज की मोहलत दे। इधर नमाज तमाम हुई, उधर शकी ने तलवार को चलाया, बड़े भाई का सर काटा, बदन को दरिया में फेंका, छोटे भाई का सर काटा, बदन को दरिया में फेंका। रवायत कहती है बड़े भाई का तन जब तक ठहरा रहा तब तक छोटे का वजूद ना आ गया। जब छोटे भाई का बदन गिरा है, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गुलू गीत करा, या भैया आओ एक दूसरे को कुर्सा दे ले, ना माँ मौजूद आए ना बाप मौजूद आए। रवायत कहती है सुबह को किसान निकले हैं, देखते एक औरत है जो पर्दा पोश है, ये खेतों के दरमियान बैठकर रो रही है, बैन कर रही है। किसान कहता है मैंने जाके पूछा है कि क्यों बैन करती हो, कहा नहर में मेरे दो बच्चे गिर गए हैं, उन बच्चों को निकालो। जब इन बच्चों को निकाला गया, सवाल किया गया इनको चून से बाहर किया गया, आखिर अभी भी कौन हो जिसके बच्चों को काट दिया गया? हाँ मैं बिनते मोहम्मद फातिमा, जिसकी रोने वाली माँ नहीं उसमें रोने सहारा आ गई, जिनके लाल में कुर्बानी दी थी, ये माँ रायगा नहीं होने देगी। बच्चों की लाशों को खुश खबर मिल गया, वो हारिस जो दौलत के लिए चला था नीस तो नाबूद हुआ, ना दुनिया मिल सकी ना आखिरत मिल सकी। ये मजलूम बच्चे कि जिन न सिर्फ ये कि मुस्लिम के दो किसान यहाँ शहीद हुए, बल्कि करबला में रवायतें मिलती है मुस्लिम के दो बच्चे करबला के हंगाम में शहीद हो गए। आए जोजाए मुस्लिम, आइए अपनी खाली गोद का पुरसा ले लीजिए। आए हजरत मुस्लिम, आइए अपने बच्चों का पुरसा कबूल कर लीजिए।